बॉस, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया? तो आज कुछ बेहतर सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो पहले इस पोज में आपको अपना फ़ोटो को शूट करवा लेना है और इसका बैकग्राउंड को इरेज करवा लेना है, कर लेना है। इसे इरेज कर लेंगे बैकग्राउंड को, तो कॉल आउट में जाकर इस फर्स्ट वाले का यूज़ करेंगे। ये हमारा 90% बैकग्राउंड को इरेज करके देता है और इस पर हमें 10% ही वर्क करना होता है। तो देखिए, जैसे कि मेरा समथिंग हो चुका है, बस यहाँ टू के पास रह गया है, तो यहाँ पे बस इसे मैनेज कर लेते हैं, बस मैनेज कर लेते हैं और इसे सेव कर लेंगे। दो वाले ऑप्शन में आकर इसे सेव कर लेते हैं, इसे सेव कर लें दो वाले ऑप्शन में आकर, और फिर अपने बैकग्राउंड को लाते हैं यहाँ पे। ये हमारा बैकग्राउंड है और इसे पिकअप में सेंड करके इसे ओपन कर लेते हैं और इसके अब दो वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से एक लेयर चूज करेंगे और इस पर ऐड फोटो कर अभी जो बैकग्राउंड को इरेज किया हूँ वो वाला बैकग्राउंड को यहाँ पे ले लेंगे और फिर यहाँ से ओके करके इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे कि कहाँ पे हमारा फ़ोटो ये ऑसम लगेगा। तो जहाँ पे लगेगा वहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लिया हूँ और फिर इसे यहाँ पे एक इम्पटी लेयर को फिर से चूज कर लिया हूँ और इसका इसलिए एक कलर डाल देता हूँ, फिलअप कर देता हूँ, वो भी ब्लैक। ब्लैक करने के बाद फिर सेकेंड वाले फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर इसे कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद ये इस वाले ऑप्शन में आकर इसे मल्टीप्लाई कर लूँगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले को चूज करके फिर से इसे मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के बाद इसे नीचे ले आऊँगा, इसे सेकेंड नंबर पे, और इस यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा इसे यहाँ पे कर लूँगा और इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लूँगा जहाँ पर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर एक शैडो, क्योंकि मेरा फ़ोटो अब रिलैक्स्टिक लग रहा है, रियल टाइप का। तो इसे अब इस पर अब फिर से इम्पटी लेयर का एक यूज करूँगा और ऐड फोटो में आकर यहाँ पे फिर से एक अपने PNG फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसे जूम करके अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा अपने बॉडी पे जहाँ पे अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ और फिर से इम्पटी लेयर का एक यूज कर लिया हूँ और इस वाले को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया हूँ और फिर से कॉपी करने के बाद ट्रांसफॉर्म करके फिर से इसे आप कहीं भी कर सकते हो, जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ पे कर सकता हूँ इसको। तो अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर से इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से ट्रांसफॉर्म करके इसे फिर से कहीं पे भी इसे रख सकता हूँ, यहाँ से जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे रख लिया हूँ और फिर से सेव करता हूँ। आप 3-4 जितना आपको पसंद हो उतना आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरा एक ब्लैक कलर का ड्रॉ हो गया है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और आप नहीं करिएगा। तो और इसे अब सेव कर लेते हैं 3 डॉट में यहाँ पे आके और इसे अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब इसे अपने लाइटरूम में ले चलेंगे। इस वाले फ़ोटो को ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो है और फिर इसे अब अपने लाइटरूम ऐड कर लेते हैं। हमारा लाइटरूम ऐड हो चुका है और अब लाइटरूम को ओपन कर लेते हैं और इस पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी करेंगे। तो लाइटरूम में हमारा फ़ोटो आ चुका है और ये लाइटरूम में आने के बाद इस लाइट वाले ऑप्शन में आकर इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को 2.20 कर लिए हैं और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, शेडो को कम कर लेंगे, ब्लैक को भी कम कर लेंगे। कम करने के बाद टेम्परेचर में आकर टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करेंगे, टिंट को थोड़ा सा बढ़ाकर वाइब्रेंस को भी लो करेंगे, सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद मिक्स वाले ऑप्शन में आकर, तो ये पहले येलो वाले का चूज किया हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा वुड का
जो ये सप्लाई है ना, ये एलो है, तो इसका थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसे माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको 30 के पास रखा हूँ, सिचुएशन को बढ़ाकर लुमिनस को भी बढ़ा दिया हूँ। और फिर रेड वाले में आकर यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, और फिर सिचुएशन को भी बढ़ा देता हूँ। और फिर ये इससे इस वाले ऑप्शन में आकर इसे भी थोड़ा सा माइनस कर लिया हूँ, माइनस करके इसे डन कर लिया। डन करने के बाद फिर अब इस वाले ऑप्शन में आकर अपने फ़ोटो को क्लैरिटी देना है कुछ। आप यहाँ पे आप जिससे ना देखोगे इसका ना क्लैरिटी ना बढ़ेगा, यहाँ पे इसमें क्लैरिटी यहाँ पे इसका बढ़ेगा, तो इसका क्लैरिटी को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसे 40 के पास और डीहेज को भी बढ़ा देंगे, 10 के आसपास रख लेंगे। और फिर इस गिनती से कम इस सबको एक एक पॉइंट बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसका कुछ काम नहीं है, फ़ोटो मेरा कुछ अपना ऑसम लग रहा है, कुछ इस तरह से ना अब इस तरह लग रहा है। और बस इतना ही इसका लाइटरूम का काम था। और फिर अपने फ़ोटो को सेव कर लिए हैं, तो कल का ट्यूटोरियल भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो कल मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आपको थैंक यू।